नगर निगम की गाड़ियां भी आती है, कचरा लेने आती हैं, और सीवर लाइन है, सीवर लाइन का बिल भी है मेरे पास, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अवैध को अवैध ये कैसे कह रहे हैं? आपने यहाँ तमाम दस्तावेज लगाए हैं, कौन से दस्तावेज हैं, वजह क्या है लगाने की? जी जी, यहाँ रजिस्ट्री की कॉपी लगा दिए हैं, बिजली का बिल लगा दिए हैं, हाउस टैक्स लगा दिए हैं, बाकी और डॉक्यूमेंट्स है जैसे निवास प्रमाण पत्र है, सारे चीज़ें रखे हैं, यहाँ नहीं लगाए हैं, सारी तीन चीज़ लगा दिए हैं, बाकी तो और डॉक्यूमेंट्स है जैसे DL है और चीज़ें हैं इसी मकान नंबर पर। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी सिंचाई विभाग वाले आके सर्विस वो क्या कहते हैं जाँच करके गए थे, सर्वे करके, और फिर हम लोग को मालूम पड़ा ये अवैध घोषित कर रहे हैं। अरे इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल है, सारी सुविधाएं हैं, नगर निगम की गाड़ियां भी आती है, कचरा लेने आती हैं, और सीवर लाइन है, सीवर लाइन का बिल भी है मेरे पास, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अवैध को अवैध ये कैसे कह रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं योगी जी से और भी प्रशासन शासन से, कि अगर आप ये ग्रीन वो क्या कहते हैं सुंदरीकरण कर रहे हैं, तो मेरा एक कहने का मतलब यह है कि किसी खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल के फिर उसका मेकअप किट दे दिया जाए तो उसका क्या सुंदरता आ जाएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो इसी तरह लखनऊ है, लखनऊ को उजाड़ के तुम रिवर फ्रंट बना रहे हो तो ये कोई खूबसूरती नहीं है। कोई भी इस पर चलेगा तो उस रिवर फ्रंट पे आएगा तो उसके मुंह से आह निकलेगी, उसको दिल को सुकून नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि यहाँ पर सबकी आह रहेगी, सबकी तकलीफें इसमें रहेगी, तो इसलिए कोई ये खूबसूरती नहीं है। मेरा फिर वही कहने का मतलब है कि किस खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल के फिर उसको मेकअप किट दे दिया जाए ये खूबसूरती नहीं हो सकती। तमाम दस्तावेज लगाए हैं अपने घर पे, ये इसकी वजह क्या है और क्या बताना चाहती हूँ? क्यों ना लगाए, जब सरकार ऐसे ही कर रही है तो लगाना तो पड़ेगा ना, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे दरवाजे पर लगा है। भैया हम लोग अवैध नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं? क्या क्या लगाया आपने और क्या सवाल कह रही है? रजिस्ट्री है और वो है बैंक, बिजली का बिल है, ऐसी कुछ तमाम लगे हैं। तो क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग चाहती है सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसे कैसे घर बना सकते हैं? माँ बाप ने तो इतना सब कुछ कमा धमा के लगा दिया लेकिन हम लोग कैसे बना सकते हैं? इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है, घर बनेगा किसी से? एक एक बिल्डिंग ढहाने पर लगे, हर जगह की धंधा बन चुकी है, ये सही बात नहीं है ना? उनको कुछ सोचना चाहिए ना, इंसान के इंसान की तरह रहने दें, जानवरों की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसका पहला रीज़न तो ये है कि जिस हिसाब से LDA वाले यहाँ पे और सिंचाई विभाग वाले जो अपनी पैमाइश करके गए, ठीक है, उन्होंने बिना बताए सब कुछ करके चले गए, हम लोगों ने पूछा उन्होंने बताया, हम लोग उनके ऑफिस में जाके बात किया, कोई उनकी लीगल बात नहीं है, उनका कोई परफेक्ट तरीके से उनका कोई जवाब नहीं है, वो कह रहे हैं कि अवैध है। भाई हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास खसरा खतौनी के सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, हमारे पास चकबंदी के भी डॉक्यूमेंट्स है, ये डेवलपमेंट जो आप लोगों ने करवाया है, आपने एड्रेस यहाँ पे हम लोग को अलॉट किया है, बिजली का बिल है, हाउस टैक्सेस सब ले रहे हैं, अगर ये सारे इवन LDA के पास नक्शे भी है हमारे पास, आप अगर उसको इलीगल कह रहे हैं तो फिर आपके नज़र में लीगल है क्या? अगर लोगों को हटा के अगर आप यहाँ पे पेड़ लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जैसा बोला है कि ग्रीन बेल्ट एरिया, तो ग्रीन बेल्ट एरिया का जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है जैसे आप लोग बता रहे हैं। अगर हमारा ये जो लीगल चीज़ है आप उसको इलीगल कह रहे हैं तो ये गलत है,
और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये भी सबसे गलत बात है। आप एटलीस्ट उस चीज़ का जवाब दीजिए, आप आके हमसे बात करिए, ठीक है। तो यहाँ तमाम घरों पर ऐसे दस्तावेज लग गए हैं, लोगों ने अपने घरों के और तमाम बिजली के बिल और तमाम टैक्सेस के पेपर लगा रहे हैं, लोगों में ये चलन क्यों शुरू हुई है और क्या उनका उद्देश्य है? उनका मेन रीज़न ये है, वो हर बार यही पूछ रहे हैं सबसे कि अगर ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास वो अगर इलीगल हैं तो लीगल आखिर है क्या? जब वो लोग देखने के लिए नहीं रेडी हैं तो लोगों ने अपने घर के बाहर लगा दिया कि एटलीस्ट आप देखिए आके कि अगर ये इलीगल है तो आपकी नज़र में लीगल है क्या? आपके सरकार द्वारा, आपके क्या कहते हैं डिपार्टमेंट द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं, जो अलॉट किए गए, आप उसको भी इलीगल कह रहे हैं, तो आपकी नज़र में आखिर लीगल है क्या? आप हमको उसका तो जवाब दीजिए, आप वो भी नहीं दे रहे हैं। तमाम दस्तावेज लगाए हैं अपने घर पे, ये इसकी वजह क्या है और क्या बताना चाहती हूँ? क्यों ना लगाए, जब सरकार ऐसे ही कर रही है तो लगाना तो पड़ेगा ना, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे दरवाजे पर लगा है। भैया हम लोग अवैध नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं? क्या क्या लगाया आपने और क्या सवाल कह रही है? रजिस्ट्री है और वो है बैंक, बिजली का बिल है, ऐसी कुछ तमाम लगे हैं। तो क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहती है सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसे कैसे घर बना सकते हैं? माँ बाप ने तो इतना सब कुछ कमा धमा के लगा दिया, लेकिन हम लोग कैसे बना सकते हैं? इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है, घर बनेगा किसी से? एक एक बिल्डिंग ढहाने पर लगे, हर जगह की धंधा बन चुकी है, ये सही बात नहीं है ना? उनको कुछ सोचना चाहिए ना, इंसान के तरह रहने दे, जानवरों की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है?